जी मैम, क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम रोमा है। जी रोमा जी, बताइए। आप मसाज करते हैं ना, एक घंटे में पहुंच जाना। हाँ मैम, मैं 4 बजे मिलता हूँ आपको। वैसे हमारे ऑफिस में जो मैनेजर की पोजीशन है उसके लिए मैंने ऐड भी डाली है और मैं 2-3 लोगों से मिलने भी वाली हूँ। समझ में नहीं आता आजकल किस पे भरोसा करें। भरोसा करने के लायक जमाना ही नहीं रहा। पता नहीं कब कौन कहाँ दगा दे जाए, पता नहीं चलता। खैर, पता नहीं नींद सी आ रही है। मुझे ना तुम्हारा नंबर मेरी फ्रेंड से मिला। वो कह रही थी तुम्हारे हाथों में जादू है। कम, लेट मी सी योर मैजिक। मैडम, यहाँ? यहाँ पर तो ये सर सो रहे हैं ना? मैंने उन्हें स्लीपिंग पिल्स दे दी है। वो काफी देर तक नहीं उठने वाले। कम ऑन, लेट्स गो। तुमने तो मेरा दिल खुशी कर दिया। एक काम करो, कल से ना तुम रोज आना। रोज? मैडम, रोज रोज आना तो मुश्किल हो जाएगा। रोज रोज मोटी रकम भी तो मिलेगी।
मैं तुम्हें 5,000 दूंगी। अरे वाह मैडम। अच्छा चलो, अब मेरी बेटी के आने का टाइम हो गया है, तो हम कल का टाइम फोन पे फिक्स करेंगे, ठीक है? से आ रहा है और ये चल क्या रहा है आजकल? ना तो दुकान पे बैठता है और ना ही तो पढ़ाई करता है। और ये बाइक किसका है? वो बाबा, मैंने सेकंड हैंड बाइक खरीदी है। क्या खरीदी है? और पैसे कहाँ से? वो मैंने पार्ट टाइम नौकरी ढूंढ लिया ना, तो उनसे एडवांस लिया है। देख बेटा, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेहनत और ईमानदारी से काम किया जाए ना, तो कभी पछताना नहीं पड़ता है। वरना अक्सर लोग शॉर्टकट के चक्कर में फिसल जाते हैं, फिर समझ नहीं पाते। बाबा मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे बार बार मत बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। पापा, पापा। पापा ठीक तो है ना? आज दोपहर में कैसे सो रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है शायद बहुत थके हुए हैं, इसलिए मैंने भी डिस्टर्ब नहीं किया। क्या हुआ? ये है तुम्हारी नर्सिंग? ये एक्चुअली मेरी पिल्स है। जब भी मैं स्ट्रेस्ड होती हूँ या डिप्रेस्ड होती हूँ तुम्हारे पापा की वजह से, और मुझे नींद नहीं आती, तब मैं इन्हीं गोलियों का सहारा लेती। मैं नहीं मानती, पापा कभी दोपहर में सोता ही नहीं है। मुझे तुम्हारी किसी बात का भरोसा ही नहीं है। हाँ हाँ, एक मैं ही बेभरोसा हूँ इस घर में, किसी को मुझ पर भरोसा ही नहीं। मुझे ना अपनी ये बकवास बातें मत सुनाओ, ठीक है? चुप हो जाओ तुम दोनों, क्या तमाशा लगा रखा है? और मुक्ति, जहां तक इन दवाओं का ताल्लुक है, मुझे रोमा पर पूरा भरोसा है, लेकिन तुम्हें भरोसा नहीं होगा। सौतेली माँ जो है तुम्हारी। मुक्ति, मुक्ति सुनो। मुक्ति, मेरी बात तो सुनो। नहीं कुत्ती, मुझे तुम्हारी बात, मुझे तुमसे नफरत है, नफरत। मुझे पता तुम कैसे हो और तुम क्या क्या करती हो। वो तो पापा को बुरा लगेगा, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बताती नहीं हूँ। शौक लगेगा हमें, पर अब ना बस बहुत हो गए। मैं तुम्हें एक्सपोज करके रहूंगी, देख लेना। तुमने कभी सोचा भी है कि तुम्हारे इन सब बातों की वजह से तुम्हारे पापा पे क्या असर पड़ता है? पापा के दिल और दिमाग में तो तुम बस गई हो ना, लेकिन मैं उनकी आंखें जरूर खोलूंगी। मुक्ति,
अपना हाथ आगे बढ़ा। ओके। आंखें बंद करो। आंखें खोलो। वाओ, आज तो तुम बड़े गिफ्ट दे रहे हो। बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है। लेकिन तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं। इतने पैसे कैसे है तुम्हारे पास? मैंने अपने पॉकेट मनी बचाकर तुम्हारे लिए खरीदा है। थैंक यू। थैंक यू छोड़ो और मुझे अभी पहन कर दिखाओ। तुम्हारे हाथ में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, देखो। किसका फोन है? मैं अभी आता हूँ। हाँ, हेलो अरोमा जी। रोहन, तुम मुझे मिलो अभी। हाँ, मैं अभी आता हूँ जी। क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक है ना? वो बाबा का फोन आया था, बोल रहे थे कि तू अभी तक घर नहीं आया। ओह, मुझे जाना होगा। अच्छा, तो फिर मैं चलूं? ठीक है, ओके बाय। अभी अपसेट हो? जब आए तब भी चिढ़े हुए थे। मुझे आपका इस तरह अर्जेंटली बुला लेना अच्छा नहीं लगता। मेरी भी पर्सनल लाइफ है। मुझे भी तो मौका देके बुलाना पड़ता है ना। पर एकदम से ऐसा शॉर्ट नोटिस भेजकर, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। तुम्हारी मर्दानगी मेरी कमजोरी बन चुकी है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। एक और मुक्ति और दूसरी और रोहन के पिता किशोर को यह एहसास होने लगा था कि रोहन गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहा। क्या रोमा और रोहन अपने नजदीकी लोगों को धोखा देने में इसी तरह कामयाब होते रहेंगे? एक और मुक्ति और रोहन के रिश्ते की कोशिशें और दूसरी ओर रोमा रोहन का रिश्ता एक अलग ही रंग दिखाने वाला था। कौन सा था वो रंग, आइए देखते हैं। ये लो बेटा, गरम गरम चाय और नमकीन। थैंक यू अंकल। अरे थैंक यू क्या बात है बेटा, आप मेरे मेहमान हो और मेहमान की सेवा करना हर व्यक्ति का धर्म होता है। अरे ये देखो, रोहन भी आ गया। रोहन बेटा, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। हाय रोहन। हाय भक्ति। अच्छा बेटा, आप दोनों बैठ के बात करो, चाय पियो, मुझे कुछ काम है, मैं जाके आता हूँ। ठीक है बाबा। मुक्ति, तुम यहाँ पर कैसे आई? मेरा घर कैसे पता लगा? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। तुम्हें क्या लगा कि मुझे नहीं पता तुम और तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं? मुझे अपने बाबा के कस्टमर को मसाज करने के लिए जाना है, मैं नहीं आ सकता। मुझे तभी मालूम चल गया था कि वो तुम्हारे पापा की ही दुकान है और तुम इतने अमीर नहीं हो। पर तुम्हें पता है मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम जो हो, जैसे भी हो, मुझे पसंद हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ रोहन। मेरा इतना मन हुआ कि मैं तुम्हें सब बता दूं कि मुझे सब पता है। तुम्हारा वो गिफ्ट देना, महंगे रेस्टोरेंट्स में ले जाके खाना खिलाना, वो मुझे ना ठीक नहीं लगा। पर
बात मैंने तुम्हें बताया नहीं, मुझे लगा कि तुम्हें बुरा लगेगा। जब तुमने मुझे ये गोल्ड ब्रेसलेट दिया, तो मुझे लगा मुझे तुम्हें सब बता देना चाहिए। तो बताओ, तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे हैं? मुक्ति प्लीज, मुझसे मत पूछो कि मेरे पास ये पैसे कहाँ से आए। मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगा। तुम्हें बताना पड़ेगा, मेरा जानना जरूरी है कि ये पैसे कैसे आए। पर क्यों? क्योंकि रोहन, मुझे लग रहा है कि तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम गलत रास्ते पे जाओ। मुक्ति, मैं किसी गलत रास्ते पर नहीं जा रहा हूँ। मैं वो बच्चों की स्कूल की फेक आईडीज बनाकर उनके एग्जाम लिखता हूँ। क्या? मैं नहीं मानती। पर क्यों नहीं मानती? अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। चलो। ये देखो मुक्ति, ये देखो। मुक्ति, रोहन ठीक कह रहा है। तुम दोनों जो कुछ भी कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो। रोहन, तुम जो हो जैसे हो मुझे अच्छे लगते हो। तुम ये सब इलीगल काम मत करो। और तुम कैसे दोस्त हो? अपने दोस्त को ये सब काम करने के लिए गुमराह कर रहे हो। I'm sorry, मुक्ति। मुक्ति, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करूँगा। I'm sorry. It's okay. But please, तुम ये दोबारा मत करना। Bye. बच गए भाई। अच्छा हुआ ना मैंने पहले से ये फेक प्रूफ बना रखे थे। लेकिन याद रखना, उसे कुछ भी सच नहीं पता लगना चाहिए। मतलब तू मसाज वाला काम छोड़ रहा है ना भाई? नहीं यार। नहीं मतलब? अबे वो तुझे चाहती है, अब पैसों की भी परवाह नहीं, फिर तुझे क्या प्रॉब्लम है? और तूने अभी अभी मुक्ति से प्रॉमिस किया है ना कि कोई गलत काम नहीं करेगा। यार मैंने उसे सच थोड़ी ना बताया है, और मैं ये सब नहीं करना चाहता था। पहले मैं सब मजबूरी में मुक्ति के लिए करता था, अब मुझे मजा आ रहा है यार। मजा आने लगा है? मुक्ति को धोखा दे के मजा आने लगा है? मैं मुक्ति को कोई धोखा नहीं दे रहा हूं, क्योंकि अब मुझे पैसा मिलता है। मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, जहां चाहे वहां जा सकता हूँ, और जो चाहे खरीद सकता हूँ। समझा? तू लालच में आके बहुत बड़ी गलती कर रहा है। रोहन खुद तो गिर ही रहा है, साथ में मुक्ति को भी धोखा दे रहा है। बेटा बहुत पछताएगा तू, देख लेना। तू मुक्ति की टेंशन ना ले, मैं देख लूंगा। चल भाई। जी रोमा जी। रोहन, जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, मेरी बाहें तरस गई है तुम्हारे लिए। आज तुम जितने पैसे मांगोगे उतने मिलेंगे, बट प्लीज जल्दी आ जाओ यार। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करूँगा। रोहन। जी रोमा जी, मैं आ रहा हूँ। कोई चक्कर वक्कर नहीं है, ये सब मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ। रोहन, तुम पैसों के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे थे? और वो सब जो तुमने मुझे बताया था, वो सब झूठ था। सॉरी मुक्ति, मैंने जो भी किया वो हमारे लिए किया। सुनो ना मुझसे, आई हेट यू।
ये है तुम्हारी झूठी कस्में जो तुमने मुझसे किए थे, ये सब हरकतें जो तुम इस औरत के साथ कर रहे हो, बेहुदा औरत के साथ। और तुम, मुझे पहले से ही मालूम था कि इसी तरीके की घटिया औरत हो तुम और धोखेबाज हो। और आज ना मुझे सबूत भी मिल गया। मुक्ति प्लीज, गिरीश को कुछ मत बताना वरना अनर्थ हो जाएगा। दूर हटो मुझसे, दूर हटो। मुक्ति मेरी बात तो सुनो, तुम शांत रहो पहले। सुनो रोहन, सब खत्म हो गए, ठीक है? सब खत्म हो चुका है। क्या खत्म हो गया? तुम मेरी बात तो सुनो। अरे मुक्ति प्लीज मेरी बात तो सुनो। मुक्ति प्लीज मेरी बात सुनो। मेरा आज की मेरी ये तुमने क्या किया मुक्ति? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मुक्ति शांत हो जाओ, मुझे सोचने दो। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? पापा भी मेडिकल गए, पता नहीं दे रहे होंगे आने में। कैसे ना कैसे करके हमें इस लाश को ठिकाने लगाना है। अभी नहीं, रात को। पर कैसे कैसे लगाएंगे? तुम्हारे पास बोरी है? हाँ होगी। जो कुछ भी हुआ है मेरा वो इंटेंशन था ही नहीं, गलती से हुआ, मेरी गलती है ही नहीं इसमें। मैं जानता हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया, तो अगर तुम बार बार ऐसे करोगी तो हम दोनों इस केस में फंस जाएंगे। मुक्ति रोना बंद करो। मुक्ति, मुक्ति, मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी है, पुलिस अभी आती होगी। पापा, ये जानते हुए भी कि रोमा किस टाइप की औरत है, आप फिर भी उसकी टेंशन ले रहे हो। मैं आपको एक बात बताना भूल गई, रोमा का अफेयर चल रहा था कार्तिक के साथ, क्या पता वो उसके साथ भाग गई हो। आइए इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बेटी मुक्ति है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे भी यही लगता है कि रोमा मेरे मैनेजर कार्तिक के साथ भाग गई होगी। और आप क्या जानती हैं उनके बारे में? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कैसे कुछ पता होगा, मुझे नहीं पता कुछ। आपके संबंध कैसे थे उनके साथ? जैसे होते हैं एक माँ और बेटी के, वैसे ही थे। नॉर्मल? हाँ नॉर्मल। आप कॉलेज जाती हैं? हाँ। उनसे आखिरी बार बात कब हुई थी आपकी? कल हुई थी शायद। किस टाइम? मैंने टाइम नहीं देखा, 12 बज रहे थे। ठीक है, मैं अपनी इंक्वायरी जारी रखता हूँ, कोई जानकारी मिली तो मुझे तुरंत इत्तला कीजिए। गिरीश जी, मुक्ति कहाँ है? बुलाइए उसे। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, रोमा का पता चल गया क्या? जी हाँ, हमें रोमा की लाश मिली। लाश? ये आप क्या कह रहे हैं, रोमा की लाश मिली है? ऐसा नहीं हो सकता सर। अफसोस, लेकिन ऐसा ही हुआ है। और इसी सिलसिले में हम मुक्ति को गिरफ्तार करने आए। कहाँ है वो? मुक्ति को
रोमा की मौत से मुक्ति का क्या लेना देना? लेना देना है, बुलाई मुक्ति को। कहाँ है मुक्ति? मिस मुक्ति, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा अभी। आप क्या बोले जा रहे हैं सर? देखिए, हमारे पास आई विटनेस है जिसने सारी वारदात अपनी आंखों से देखी है। कार्तिक, दिख रहा था और इसी ने हमें रोमा की हत्या की बात बताई और इसी ने लाश को ठिकाने लगाते वक्त ये वीडियो बनाई। ये देखिए, क्यों किया तुमने ऐसा बेटा? अपनी माँ को मार डाला। पापा, मैंने रोमा को मारा, लेकिन मैंने इंटेंशनली नहीं मारा था, वो एक एक्सीडेंट था। इंस्पेक्टर साहब, ये सब जो भी हुआ उसका गुनहगार मैं हूँ, इसमें मुक्ति की कोई गलती नहीं है। आप प्लीज उसे छोड़ दीजिए। देखिए, आप दोनों को हमारे साथ थाने चलना होगा, चाहे एक एक्सीडेंट था या फिर एक सोच समझ के साथ किया गया प्लान मर्डर। उसका फैसला तो इन्वेस्टिगेशन के बाद हो जाएगा, लेकिन फिलहाल लाश को ठिकाने लगाने, सबूतों को मिटाने और पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में आप दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। ले चलो इन्हें। वो मेरी बच्ची, मुक्ति। इच्छाएं अगर हद से बढ़ने लगे तो सारी हदें खुद ब खुद टूटने लगती, इसीलिए जरूरी है इच्छाओं पर नियंत्रण रखना, वरना इंसान झूठ और धोखे की राह पर चलते हुए आखिर जुर्म तक जा पहुंचता। इच्छाएं ही थी कि एक स्त्री ने अपने से बड़े उम्र के व्यक्ति के साथ शादी की। इच्छाएं थी उसने किसी और के साथ संबंध रखा। ऐसी भूल किसी से भी हो सकती है। समझाइए अपने आसपास के लोगों को, चर्चा कीजिए, नजर रखिए ऐसे लोगों पर। मिलते हैं अगले एपिसोड में क्राइम स्टॉप। आप रहिए सुरक्षित। जय हिंद, भारत माता की जय।